Hey you guys, welcome back to my YouTube channel The Samir Vlogs. I hope guys you will be absolutely fine. उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब ठीक होंगे. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पल्सर 150 ट्विन डिस्क BS6 के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास आप लोगों की बहुत सारी इंक्वायरी आई है. बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया कि भाई ट्विन डिस्क का क्या हुआ BS6 का. तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पहले ही पल्सर 150 नियॉन BS6, पल्सर 220 BS6, पल्सर NS200 BS6 का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जो कि आप लोगों को मेरे वीडियो पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी. आगे मैं बताने वाला हूं कि रियलिटी में क्या क्या चीज़ आपको इस पल्सर 150 ट्विन डिस्क BS6 में देखने को मिलने वाली है. चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं. दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके. तो दोस्तों सबसे पहले मेरे भाई जो मेरे वीडियो को डिसलाइक करेंगे, सबसे पहले कि भाई यहाँ तो बाइक नहीं है, मैं बैठा हूँ और यहाँ पे फेक बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए एक बात बता दूँ कि मैंने पल्सर 150 ट्विन डिस्क को BS6 को सामने से देख के आ चुका हूँ. जी हाँ, मैंने बाइक को सामने से देख लिया हूँ, क्या क्या चेंजेस हुए ये भी देख लिया हूँ. अब आप बोलेंगे आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया. वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना अभी अलाउ नहीं था. इसलिए नहीं था क्योंकि अभी BS4 का स्टॉक है, जिस वजह से BS6 व्हीकल को नहीं दिखाना है, इस वजह से वहाँ पे मुझे वीडियो बनाने नहीं दिया गया. अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप मेरे में 150 नियॉन BS6, 220 BS6 और NS200 BS6 का वीडियो देख सकते हैं, जो कि मेरे चैनल में अपलोड है. ठीक है, अब आ जाते हैं टॉपिक पे कि एक्चुअल में इस बाइक पे क्या क्या चेंज हमें देखने को मिला है, और मैं बाइक को आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ. तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस का. सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइस, कि हमें प्राइस कितना ज़्यादा देना पड़ेगा कंपेरिजन टू BS4 मॉडल, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं और आपका भाई आपके वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को प्राइस ही बताता है. दोस्तों तो 150 UG5 BS6 का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,18,000 रुपये, 1.18 लाख. BS4 जो मॉडल आती थी उसका प्राइस था 1.08 लाख, 1,08,000 रुपये. 10,000 का प्राइस डिफरेंस देखने को मिला है बाइक में. 10,000 रुपये का प्राइस बढ़ चुका है BS6 UG5 में. चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं. यहाँ पे अगर BHP पावर एंड बात करेंगे तो नॉर्मली पहले ही जैसा आपको मिल रहा है 13.8 का BHP पावर और 13.25 का न्यूटन मीटर टॉर्क, तो ऑलमोस्ट सेम है. यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ BHP पावर में. यहाँ पे आप लोगों को एक न्यू टेक्नोलॉजी जो BS6 में मिल रही है, FI फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्शन भी जिसे हम कहते हैं, वो आप लोगों को पल्सर 150 नियॉन ट्विन डिस्क, सॉरी पल्सर 150 ट्विन डिस्क में देखने को मिल रहा है. यानी कि UG5 मॉडल भी जिसे हम कहते हैं, पल्सर 150 UG5 मॉडल जो आप लोगों को पल्सर 150 नियॉन में भी मिल रहा है, जिसका मैंने वीडियो बना चुका है, और पल्सर 150 रेगुलर या स्टैंडर्ड मॉडल जिसे कहते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा. तो सबसे बड़ा एक चेंज है फ्यूल इंजेक्टर आपको बाइक में देखने को मिल रहा है दोस्तों. दूसरा, इस बाइक में आप लोगों को यहाँ पे ऑक्सीजन फिल्टर देखने को मिलेगा. आप देख सकेंगे कि यहाँ साइलेंसर एग्जॉस्ट को थोड़ा चेंज कर दिया गया है. मैंने 150 नियॉन की वीडियो बनाई है, देख लो एज इट इज़ वैसा ही है. उसमें आप लोगों को एक नया फिल्टर मिल जाएगा जिससे बाइक पॉल्यूशन कम करेगी. ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक न्यू अपडेट में बता दूं कि BS6 में जितने भी व्हीकल आएगी उनमें आप लोगों को फ्यूल बंद चालू करने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला. जी हाँ दोस्तों, बंद करने का ऑप्शन आपको इस फ्यूल में नहीं मिलेगा. फ्यूल बंद चालू करने का ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलेगा किसी भी BS6 व्हीकल में. आप देख सकते हैं NS में भी नहीं है, 220 में भी नहीं है और 150 नियॉन में भी नहीं है, जो कि मेरे खुद के चैनल में वीडियो डली हुई है. ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बाइक में AC देखने को मिल जाएगा, जिसका आपको एक इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे डिजिटल मीटर में देखने को मिल जाएगा. बस, और अगर चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा सीट इसमें चेंज किया गया है, जो कि मैं बाइक को देखा था सामने. और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इससे रिलेटेड, बड़े चैनल भैया लोग, उनका नाम नहीं लूंगा, वो लोग डाल भी चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं. आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा कंपेरिजन टू BS4 मॉडल. जैसे मैंने आप लोगों को बताया, फ्यूल इंजेक्टर, ऑक्सीजन फिल्टर, AC टेक्नोलॉजी, बस. और हो सकता है अभी तो नॉर्मल जो मैंने कलर देखा है, अपनी आंखों से मैंने देख लिया कि वो शोरूम में खड़ी हुई है,
और दोस्तों जो मैंने कलर देखा वो था इसका ब्लू, ब्लू ब्लैक जो कलर आती थी नॉर्मल वाली, वही कलर आपको देखने को मिला है। और हो सकता है कि आगे चल के न्यू ग्राफिक वाले कलर आपको देखने को मिल जाए, लेकिन अभी मुझे ट्विन डिस्क में कोई भी कलर चेंजेस देखने को नहीं मिला, ग्राफिक चेंज देखने को नहीं मिला, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है भाई। मैंने यार पल्सर 150 नियॉन BS6 जैसे आपको बताया पहले किसका मैंने रिव्यू कर चुका है, वो आप जाके देख सकते हैं जितना उसमें चेंज हुआ है गाड़ियों में ना, आने वाली बजाज की जितनी और बाइक BS6 से बची हुई है जिसके आपने रिव्यू नहीं देखा या बजाज ने नहीं निकाला, तो बस उतना ही चेंज होगा और कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, फ्यूल इंजेक्टर जिसे हम FE कहते हैं, ऑन ऑफ का स्विच नहीं मिलेगा, फ्यूल ऑन ऑफ का जो स्विच होता है वो नहीं मिलेगा, साथ में आप लोगों को ऑक्सीजन फिल्टर देखने को मिलेगा, एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, यानी गाड़ी की जो आवाज है वो थोड़ी कम हो जाएगी कंपैरिजन टू BS4 मॉडल, और हो सकता है कि बाइक का इंजन थोड़ा सा रिफाइंड हमें देखने को मिलेगा। बाइसिटिस आपको सेम टू सेम सिंगल चैनल ABS मिलेगा, सेम 260mm की डिस्क प्लेट मिलेगी, टायर्स के साइज भी आपको सेम मिलेंगे, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, आपको हेलोजन ही मिलेगा, LED भी देखने को नहीं मिलेगी पल्सर 150 ट्विन डिस्क में, इतना ही चेंज होगा दोस्तों और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि बहुत सारे लोग भाई लोग ने मुझे कमेंट कर रहे थे, इस वजह से मैंने आज का वीडियो ये ट्विन डिस्क पे लेकर आया। दोस्तों अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।